रसोई का ऐसा आटा जो आपके भाग्य को खा जाता है, ऐसी गलती पड़ेगी भारी। आटा गूंथना रसोई में किए जाने वाले कामों में से एक है। आप भी रसोई में आटा तो गूंथती ही होंगी, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आटा गूंथने के दौरान कहीं आप कोई गलती तो नहीं करती? इससे पहले कि आप ज्यादा सोचें, हम ही आपको बता देते हैं कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। शास्त्रों में घर और घर में मौजूद रसोई से जुड़े कामों के बारे में ऐसे कई महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन घर में शुभता लाने के लिए आवश्यक माना गया है। वहीं अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर की उन्नति में बाधा पैदा होती है। अक्सर आपने घर के बड़े बुजुर्गों से कई ऐसी बातें या कहावतें सुनी होंगी जो सुनकर आपको अजीब लगता होगा, जैसे रात में नाखून मत काटो, रविवार के दिन तुलसी मत तोड़ो, रसोई में झूठे बर्तन मत छोड़े या आटे गूंथने समय उसे ढक दें आदि। ये सभी बातें आपको दकियानूसी या बेवजह की लगती होंगी, लेकिन धार्मिक और वास्तुशास्त्र के मुताबिक कहीं न कहीं इनका असर हमारे जीवन से जुड़ा होता है। खास तौर पर आटा गूंथते समय आपको काफी सावधानी बरतने की जरूरती है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती जीवन भर के लिए पछतावा दे सकती है। रसोई से जुड़े कामों को लेकर बनाए गए नियमों में लापरवाही ग्रहों की अशांति और ग्रह दोष तक को न्योता देती है। इसी कड़ी में उन्होंने हमें आटा गूंथने से जुड़े कुछ नियमों के बारे में बताया, जो आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। एक आटा उतनी ही मात्र में गूंथना चाहिए जितनी जरूरत हो। आवश्यकता से अधिक और खाना बनाने के समय से अधिक पहले ही आटा लगाकर रखना घर में नेगेटिव एनर्जी को बढ़ावा दे सकता है। अगर आप ज्योतिष की न भी माने तो यह आदत सेहत के लिहाज से भी खराब मानी जाती है। दो आटा गूंथकर फ्रिज में रखना या खाना बनाने के बाद बचे आटे को फ्रिज में रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की बरकत रुक सकती है और कलेश पनप सकता है। तीन आटा गूंथने के बाद कभी भी आटे को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आटा लगाने के बाद उस पर उंगलियों के निशान जरूर बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब घर की लक्ष्मी अर्थात बेटी या बहू की उंगलियों के निशान आटे पर पड़ते हैं, तो इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। चार आटा लगाने के बाद उसे खुला हुआ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसका एक कारण तो सेहत से जुड़ा है कि ढका आटा खराब नहीं होता और उसमें किसी भी मक्खी मच्छर के गिरने का डर नहीं रहता, और दूसरा ये कि ढका आटा परिवार के सदस्यों के मान सम्मान की रक्षा करता है। पांच आटा लगाते समय पानी हमेशा तांबे के बर्तन में लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी आटे की रोटी का भगवान को भोग लगता है। ऐसे में आटा पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए। वहीं तांबे को एक पवित्र धातु माना जाता है, इसलिए आटा लगाते समय पानी हमेशा तांबे के बर्तन में ही लें। इसके अलावा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तांबे को लाभदायक माना जाता है। छह आटा लगाने के बाद कभी भी बचे पानी को नाली में नहीं डालना चाहिए। उस पानी को किसी पौधे में डालना शुभ माना गया है। ज्योतिष के अलावा सामान्य रूप से भी यही आदत अपनानी चाहिए, क्योंकि आटे का पानी साफ होता है, ऐसे में उस पानी को फेंककर बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ आटे गूंथने के बाद न करें ये गलती। अक्सर लोग आटा गूंथने के बाद लोग उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान जरूर बनाने चाहिए? अगर आप गूंथे हुए आटे पर उंगलियों पर निशान नहीं बनाते तो यह अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि गूंथे हुए आटे पर उंगलियों के निशान न बनाए जाएं तो उसे पिंड माना जाता है,
जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि पितरों को पिंडदान किया हो, इसलिए आटा गूंथने के बाद उस पर उंगलियों के निशान जरूर बनाएं। 8. न बनाएं बचे हुए आटे रोटी। कई बार हम रात को बचे हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं और फिर अगली सुबह उस आटे की रोटियां बना लेते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है और इसकी वजह से आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से घर का माहौल खराब होता है और आए दिन कलेश व लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे घर में नेगेटिविटी भी आती है, इसलिए बचा हुआ आटा या रोटी हमेशा गाय या कुत्ते को खिलाई जाती है। 9. कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का डिब्बा जब पूरी तरह से खाली हो जाता है, तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो, इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें। आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। 10. रसोई के मसालों में शामिल हल्दी ऐसी चीज है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीजों में होता है। वहीं ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं, इसलिए रसोई घर में जब भी लगे ही हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे को भर दें। घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव में कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। ध्यान रहे कि न कभी किसी से हल्दी उधार मांगें और न ही किसी को दें। 11. कुछ लोग मानते हैं चावल रसोई में उतना ही रखना चाहिए जितना की प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले रसोई में रखे चावल को खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नए चावल भरते हैं। ऐसा भूल से भी न करें। चावल का संबंध भी शुक्र से माना गया है और शुक्र को ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र के दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति और पत्नी के बीच संबंध भी कड़वे होने लगते हैं, इसलिए घर में चावल को कभी भी खत्म न होने दें और नया मंगवा लें। 12. रसोई में नमक न हो तो खाना ही नहीं बन सकता। कुछ लोग डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म कर लेते हैं और फिर उसमें नया नमक भरते हैं। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक के खत्म होने से राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है और फिर आपके काम बिगड़ने लग जाते हैं और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखें कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी खाली न होने दें। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि कभी किसी दूसरे के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करने से आपके अपने घर के भंडार सदैव खाली रहेंगे। 13. खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा है लोग बाजार से तेल खत्म होने पर ही और तेल घर में लेकर आते हैं। ऐसा गलती से भी न करें। घर में सरसों का तेल खत्म होने से पहले और खरीद लाएं। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। सरसों का तेल खत्म होना मतलब आपको शनि के कोपभाजन का शिकार बना सकता है। संभव हो तो हर शनिवार को सरसों का तेल दान जरूर करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।